नमस्कार डायरेक्टिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसी की सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला ने कुर्सी पर विराजमान होते ही अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता को संबोधित किया। वहीं पर जो उनके कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया जो कि उनके मैनिफेस्टो में था। बड़ी खबर ये आ रही जो लगातार आवाज़ें उठ रही थी, कई भाजपा के नेता जो हमने इंटरव्यू भी किया कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि जो 12 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शोषा है, होगा कुछ नहीं। पर वहीं पर एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे, जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। राशन कोटा दुगना हो सकता है, उस पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही साल में 12 गैस सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे, यानी बांटे जाएंगे, जो कि कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का बयान आया है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सतीश शर्मा की इतनी लोकप्रियता है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री में जगह मिल गई, क्योंकि जिसे जनता सराहेगी वो इसी तरह से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और जो जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा उसे जनता बहुत आगे तक लेकर जाती है। वहीं पर बताएंगे जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने मंगलवार को कहा कि सरकार प्रति परिवार राशन कोटा दोगुना करने पर विचार कर रही है और जल्द ही अच्छी खबर साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही साल में 12 गैस के सिलेंडर जो है आवंटित किया जाएंगे, जो एक वास्तविकता बन जाएगा। साथ ही साथ बताएंगे सतीश शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि लोगों को मिलने वाली राशन आपूर्ति जल्द ही दोगुनी कर दी जाएगी। अगर मानिए यहाँ पर आपको 5 किलो या 10 किलो राशन मिल रहा है, वहाँ पर दूर दुगना यानी कि 20 किलो या 10 किलो हो जाएगा, और लोगों को इस संबंध में जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। हालाँकि उन्होंने कहा कि विधानसभा में यानी कि प्रस्ताव पारित करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, राज्य हमारा और राज्य के दर्जे की बहाली सुनिश्चित की जानी चाहिए, कोई भी हमारा पक्ष नहीं लेगा और मुझे विश्वास है कि वहीं पर नई दिल्ली इसकी बहाली सुनिश्चित करेगी। एक सवाल के जवाब में सतीश शर्मा ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन और शानदार सरकारों में से एक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट है और उनकी बातें भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उमर अब्दुल्ला का मतलब विकास, परिणाम और क्रियान्वयन है। अपने ऐसे मुख्यमंत्री पहले भी कभी नहीं देखे होंगे। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और कश्मीर और भारत को एक साथ मिलकर खूबसूरत बनाएंगे। दरबार मूव के बारे में उन्हें पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका कारोबार प्रभावित हुआ है, जो कि 200 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव को यानी कि बंद करने के बाद। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र यानी के मैनिफेस्टो में 12 सिलेंडर, राशन में बढ़ोतरी समेत जो भी बातें कही गई हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि उन्हें पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछले कई दशकों में ऐसी पहली बार हुआ है कि जम्मू को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, और साथ ही साथ लोगों को इसके लिए आभारी होना चाहिए। जब उनसे जम्मू के लोगों द्वारा खुद को अलग थलग महसूस करने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि खबरों में बारे में जो पूछा गया, उन्होंने कहा कि वह एक सेतु का काम करेंगे, यानी कि एक ब्रिज सेतु जानते हैं, उसका काम करेंगे, और कहा कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, चूंकि पर्यटन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि साथ ही साथ मैं अगले यानी कि 3 सालों में 1 करोड़ पर्यटक को जोड़ सकता हूँ। पर्यटकों को सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमारे लोगों को आजीविका कमाने में यानी कि रोजगार कमाने में मदद करते हैं और हमारे युवाओं का भविष्य भी उज्जवल बनाते हैं। ये साफ तौर पर जो शब्द है, ये शब्द है कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का, जिनके अंतर्गत CAPT भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी, अन्य विभाग भी आते हैं। और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो हम सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द जो हमारे मैनिफेस्टो में था कि 12 सिलेंडर देने की बात की है, उन्होंने कहा इस पर विचार किया जा रहा है, और राशन डिपो में दुगना किया जाएगा जो कि जनता को आवंटित करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है। उमर सरकार के बनते ही आपने देखा किस तरह से काम शुरू हो चुका है। भले ही कटाक्ष भी किए जा रहे हैं, उन पर सवाल भी किए जा रहे हैं, पर वहीं पर अगर बताना चाहेंगे कि उमर सरकार ने साफ तौर पर पहले ही कहा था, जब जम्मू में उनका पहला आगमन था CM बनने के, मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने कहा कि हम जो सरकार हमारी काम करेगी वो अपने ऐशोआराम के लिए नहीं होगी, वो सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी और बेहतरी के लिए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम
काम जो है अपने लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नौकरशाही को अब समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, उनकी अब मनमानी नहीं चलेगी, अब उन्हें पता चलेगा कि काम कैसे किया जाता है। और अब उन्हें समझना होगा कि अब जम्मू कश्मीर सरकार ही नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है। वहीं पर जो कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं वो भी अपना कार्यभार दिन रात कर रहे हैं, क्योंकि जो वायदे किए हैं वो वायदे किस तरह से पूरे किए जाएँ पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट मंत्री इस चीज़ के सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं पर 12 सिलेंडर देने की बात जो की, अब उस पर काम हो रहा है। और ये काम कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने एक बड़े ही काबिल, पढ़े लिखे और बड़े ही ये ज़रूर कहेंगे कर्मठ युवा हैं, जिन्हें एक लगन है काम करने की और जिन्हें जनता भरपूर प्यार बरसाती है, जिन पर जनता नहीं बल्कि युवा भी, और युवा के लिए कोई आइडियल है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जहाँ पर पार्टी ने उन्हें नकारा उन्हीं लोगों ने, उन्हीं जनता ने उन्हें सर पर बिठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिता मदन लाल शर्मा जी के द्वारा, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी के द्वारा किए गए काम आज उनके बेटे ने भी उसी फुटस्टेप पर चलकर, यानी कि उनके नक्शे कदम पर चलने का जो यानी कि एक निर्णय लिया, वो निर्णय ही कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाकर आज कैबिनेट में बिठाया है। तो जनता का विश्वास है, आपने देखा था कितनी भावुक हुई थी जनता, साफ तौर पर कहा था एक उप मुख्यमंत्री को हराया था, डिप्टी सीएम ताराचंद को हराकर उन्होंने सीढ़ियां जो चढ़ी थी उसका श्रेय कहीं ना कहीं जनता को जाता है, और जनता और उसके उत्साह उनका जो श्रेय उन पर जाता है जनता को जाता है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, कहीं ना कहीं उनके पिताजी का किए हुए कामों का भी उन्हें योगदान है जो आज उनके काम आया और जनता ने उन पर भरपूर विश्वास किया। और सतीश शर्मा कि हर तरफ चर्चे हैं क्योंकि उनके काम करने का तरीका और जो वो जिस तरह से बात करते हैं साफ तौर दिखे, क्योंकि हम ये ज़रूर कहेंगे कि मंत्री ऐसे कई ऐसे भी हैं या मुख्य उप मुख्यमंत्री जो पहले बड़े कसीदे करते, बातें करते थे, फ़ोन कॉल करते थे या उठा लेते थे जनता के मुद्दों को सुनने के लिए, और जब भी उन्हें कार्यभार मिलता है, मंत्रालय मिलता है, उसके बाद उनकी नज़र और नीयत दोनों बदल जाती है, इतने व्यस्त होते हैं उन्हें फ़ोन देखने का या कोई भी जनता का क्वेरी हो सुन देखने का टाइम नहीं होता। पर सतीश शर्मा जी को कल हमने एक मैसेज दिया, तुरंत टेक्स्ट मैसेज का जवाब आया। हम बिल्कुल उनकी दाद इसलिए देते हैं जो अच्छा करेगा कि वो कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे, क्योंकि पत्रकार अपने घर की अपनी बात नहीं करेंगे, वो जनता के मुद्दों को ही उन तक लाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं सतीश शर्मा जी का कि कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी उन्होंने हमारे उस मैसेज को देखा जो कहीं ना कहीं जनता के लिए था, हमने जनता की कोई क्वारी उनके सामने रखनी थी। अगर ऐसे ही मंत्रालय में जो भी मंत्रीगण बैठे हैं इसी तरह से अगर इन चीज़ों को छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखेंगे तो कई जनता के मसले हल होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि जल्द खुशखबरी आ सकती है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का ये कहना है कि 12 सिलेंडर की बात पर जो विश्वास जो इस समय यानी कि उस पर विचार हो रहा है और जल्द आपको खुशखबरी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ सिलेंडर के साथ साथ के राशन कोटे को दुगना करने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।